तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो ये वीडियो है मंडे का। मैंने वीडियो तो बना लिया था लेकिन मुझे वॉइस रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो जैसे ही मुझे टाइम मिला है आज तो मैंने वॉइस रिकॉर्ड कर लिया है। और मैं आप लोग को आज बताऊँगी एक झटपट से बन जाने वाला नाश्ता, नाश्ते का रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने एक हरी मिर्च ले ली है जिसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। एक प्याज और एक टमाटर ले लिया है। इन दोनों को भी हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। जितना छोटा काटेंगे, जितना पतला उतना अच्छा रहेगा। और इसके बाद हमें ले लेना है एक बर्तन, और बर्तन में ऐड करना है सूजी। आपको जितना बनाना हो आप उस हिसाब से सूजी ले सकते हो। और हमारे सभी के घर में दूध और मलाई तो इजी अवेलेबल रहता है, तो हमें दूध और मलाई की भी इस रेसिपी में ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने सूजी ले लिया है और यहाँ पे मैं देखिए मलाई और दूध को ऐड कर रही हूँ। और इसके बाद हम ऐड कर देंगे इसमें नमक। नमक मैं सेंधा नमक यूज़ करती हूँ क्योंकि जो नॉर्मल नमक होता है वाइट नमक, उससे अच्छा ये नमक होता है खाने में यूज़ करने के लिए। और इन तीनों चीज़ को जो मैं कट करके रखी थी, इन तीनों को हम इसमें मिला देंगे। मिलाने के बाद हम इन तीनों चीज़ को अच्छे से, इन सब को अच्छे से मिक्स करेंगे। और देखिए मैं, हमारा जो सूजी है वो थोड़ा ड्राई ड्राई दिख रहा है, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा और मलाई और दूध ऐड कर देंगे। अगर आपके पास दूध नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हो, पर पानी से थोड़ा स्वाद चेंज हो जाएगा। बेटर होगा कि आप दूध और मलाई का ही यूज़ करो। तो देख सकते हैं मेरा मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो गया है। और यहाँ पे ब्रेड ले लिया है मैंने, जो ये ब्रेड जो है ये आटे का ब्रेड है इसलिए ब्राउन कलर का दिख रहा है। आप कोई सा भी ब्रेड ले सकते हो। और इन सब मिक्सचर को हम अच्छे से ब्रेड पे लगा देंगे। और फ्रेंड्स, इस रेसिपी को मैं जो दिखा रही हूँ आपको, मैं इसको मिनी पिज्ज़ा बोलती हूँ छोटा सा पिज्ज़ा बोल सकते हैं आप इसको। आप चाहो तो इसमें छोटे छोटे शिमला मिर्च भी कट करके ऐड कर सकते हो, पर मैं ये तीनों चीज़ें ऐड करती हूँ। और देखिए, तावा को मैंने चढ़ा दिया था गैस पे, जो काफ़ी गर्म हो चुका है। रिफाइंड डाल दिया था, देख सकते हैं गर्म है एकदम तेल। और देखिए, इसको इस तरह से इस पर हमें सेक लेना है। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिए। बच्चे को टिफ़िन में भी दे सकते हैं और नाश्ते के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ये आपके पास, और इजी वे में बन भी जाता है। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आप लोग को थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर किए बिना नहीं जाइएगा। तो ध्यान रहे कि जब तक सूजी हमारी ब्राउन नहीं हो जाती, पक नहीं जाती, तब तक ये रेसिपी कंप्लीट नहीं होता। देखिए, थोड़ा थोड़ा ब्राउन होने लगा है, मतलब ऑलमोस्ट हमारी रेसिपी बनके रेडी होने वाली है। और आप चाहो तो इसे सिंगल भी रख सकते हो और ऐसे 20 से टुकड़ों में कट भी कर सकते हो, दो भाग में बांट सकते हो और सॉस या चटनी के साथ सर्व कर सकते हो। और बहुत ही यमी टेस्टी लगेगा आपको।